ऐतिहासिक धरोहरों की खोज में हम आज पहुंचे हैं मिर्जापुर जनपद यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला, और इस जनपद से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर चुनार के गढ़ के किले पर। वैसे अगर देखा जाए तो बनारस शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर यह किला स्थित है और पवित्र सरिल पावनी गंगा के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इस किले का जिक्र जब आता है तो इस ये पहाड़ियों का जिक्र होना लाजमी है। यह जो है कैमूर पर्वतमाला श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसका जिक्र महाराजा विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है। कभी यहाँ के राजा महाराजा विक्रमादित्य थे, वहाँ पर उनका साम्राज्य था। बाद में मुगल शासकों के अधीन आया, कभी बाबर, कभी शेरशाह सूरी और ऐसे तमाम राजाओं के अधीन रहा। और बाद में चुनार किले के इस हिस्से को, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, इस हिस्से का प्रयोग कभी 1805 ईस्वी से 20वीं सदी तक जेल के रूप में अंग्रेजों ने किया था। 1846 ईस्वी में सिख राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने के उपरांत महाराणा रणजीत सिंह की विधवा जिंद कौर को 1848 ईस्वी में इस इमारत में कैद भी रखा गया। 1849 में महारानी जिंद कौर ने अंग्रेजों को चकमा देकर नेपाल भागने में सफल रही थी और पंजाब में हो रहे कूका आंदोलन में कई कैदियों को भी इस कारागार में रखा गया था। इस इमारत के हिस्से में ताखाना भी है जहाँ कैदियों को संवेदनशीलता के आधार पर लगा जाता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है ताखाना भी आप देख सकते हैं, और इस ताखाने को पूरी तरीके से ताला लगा करके कैद किया गया है। जिस तरीके से कुख्यात अपराधियों को, किसी गंभीर अपराध करने वाले को किसी अंधेरे कमरे में रखा जाता था, काला पानी दिया जाता था, उसी तरीके से यहाँ पर ताखाने में कुख्यात और गंभीर अपराधियों को रखा जाता था। और आप एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि पूरी तरीके से जाली लगा करके इस ताखाने को कैद किया गया है। लेकिन चुनारगढ़ का जो पत्थर, उन पत्थरों से निर्मित इस किले पर आने के लिए हमको बनारस शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर चलकर आना पड़ा। वैसे अगर मिर्जापुर की तरफ से आते हैं तो 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने पहले भी बताया कि ये कैमूर पर्वतमाला की श्रेणी में आता है और महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर गुरु गोरखनाथ के शिष्य भर्तृहरि को रहने के लिए, यहाँ पर आश्रम बनाने के लिए अनुमति दी थी और उनकी पूरी तरीके से वो सेवा करते थे। अंत में जब उनकी मृत्यु हुई तो यहाँ पर उनकी समाधि स्थली भी बनी। और आपको इस किले के उस हर हिस्से को दिखाएंगे, आपको वो जेल के कारागार भी दिखाएंगे जिसमें कैदियों को रखा जाता था। अंग्रेज शासन के विरुद्ध जिन लोगों ने बिगुल फूंका था उन कैदियों को रखा जाता था। और बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर पुलिस, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण का केंद्र भी बनाया गया है। यहाँ चादमारी है और पुलिस वालों को जो शस्त्र का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं चुनार की पहाड़ियों और चुनारी पत्थर से बना हुआ यह किला बेहद ही खूबसूरत है। आज भी जो है 1000 लगभग जो पत्थर हैं वो लाल कलर के पत्थर और गुलाबी कलर के पत्थरों से निर्मित किया गया है। आगे इस किले के उस हर हिस्से से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे यहाँ के इतिहास। अभी हम चुनारगढ़ के किले में हैं और जैसा कि हमने बताया था कि विक्रमादित्य सम्राट उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई भर्तृहरि की याद में यह किला बनवाया था। और भर्तृहरि जो है परम योगी गुरु गोरखनाथ के शिष्य, परम शिष्य थे। और यह समाधि है जिसका मैंने जिक्र अपने अभी ब्लॉग में किया था। तो मैं उस समाधि स्थली पर हूँ और पूज्य गुरुदेव जी हैं और अभी हम जानेंगे इस समाधि स्थली के बारे में। और बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है और ये भर्तृहरि जी की समाधि स्थली है। इन्हीं के निर्माण याद में इस किले का निर्माण कराया गया था। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित, कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी किनारे पर स्थित इस किले का जो निर्माण का इतिहास है पूरी तरीके से महाराजा भर्तृहरि से जुड़ा हुआ है, योगी राज भर्तृहरि से जुड़ा हुआ है। और हम गुरुजी से जानते हैं क्या इतिहास है और क्या पौराणिक महत्व है इस स्थल का। तो ये अब समाधि स्थल आप देख रहे हैं, मतलब विक्रमादित्य मतलब ये बड़े भाई थे। तो खुद भर्तृहरि महाराज पर उज्जैन थे, राजा थे, अपनी राठ पाठ छोड़े ये योगी हो गए। तो योगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ हैं, गोरखपुरी में हैं, ये उनके शिष्य बन गए। तो उनके शिष्य बन गए थे यहाँ। तब कन्याज उसमें एक किला नहीं था, मतलब ये पूरी पहाड़ था, पहाड़ में तो उसमें यहाँ पूरी भंगान थे, यहाँ चढ़न पड़ा था विष्णु चढ़न। और पीछे गंगा नदी देखे, उत्तरवाणी गंगा। तो भर्तृहरि महाराज सोचे अगर यहाँ तप करेंगे तो यहाँ मन थे, आत्मा थे, काफ़ी यहाँ शांति जगह मिलेगा। तो खुद एक गुफा टाइप खनवाए, अंदर बैठ गए। तो इस समाधि में बैठे कुछ दिन बाद इनके भाई आए विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य आए तो बोले भैया आप घर चलिए। तो बोले भैया इनसे घर से कोई मतलब नहीं है,
अगर हम घर जाएंगे तो मेरी समाधि ते खंड हो जाएगा। खंड मतलब ऐसे कोई बाल बच्चा आएगा, कुछ दार आएगा, तो मेरी समाधि ते कोई महत नहीं रहेगा। तो विक्रमादित्य इनकी याद में ये पूरी पहाड़ से घेराबंदी करवाए और इनकी समाधि लेने बाद, तो आप शासन नाम सुने भैया, औरंगजेब नाम सुने, तो औरंग जानते हर जगह से मंदिर तोड़वाना, तो इस समाधि फंसाए तो औरंगजेब का, और कोई समाधि से अगर कोई आवाज निकलेगा तो हम मानेंगे इस समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। अगर आवाज नहीं निकलेगा तो यहाँ एक तोड़ते मुसलमान थे, हम मस्जिद बलवा देंगे। तो पूरी मंदिर था, मंदिर पूरा गिरवा दिया। तो इस समाधि तोड़ने दे फटी, यहाँ बीच में एक छेद भी है, तो यहाँ से वो घन मारे, वो घन मारते बनते तो काले काले भौरे होते हैं, वो लाखों संख्या निकले। तब औरंगजेब कहा, गरम तेल डालिए, अगर आप गरम तेल डालेंगे सब भौरे कितना रहेंगे अंदर, छत्ता वत्ता लगाए सब भौरे मर जाएंगे। वो गरम तेल डालते हुए अंदर भौरे आओ चार दुगने बेसी हो, और देख तो भक्का हो गया, मतलब हम तेल छोड़ते जा रहे, भौरे संख्या बेसी बढ़ती जा रही है। तब औरंगजेब भी समझ गया कोई समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। तो खुद आए औरंगजेब यहाँ, माफी मांगा, और माफी मांगते और प्रेम से खुशी से वो कच्चा तेल छोड़ा, और तेल छोड़ते मंत्र भरे थे वो शांति हो गई। तब आखिर में ये चार खम्भे है पत्थर थे, ये खुद औरंगजेब लगवाया, और ये फारसी पर लिख दिया, औरंगजेब है ये फारसी पर लिख दिया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे कोई बादशाह आएगा तो इस समाधि की इज्जत करेगा, इस समाधि से कोई क्षति यहाँ नहीं पहुँचाएगा। और एक समाधि माओ खासियत, अगर यहाँ कोई आप मन्नत मांगे, अगर आपके कोई मन्नत पूरी हो, अगर आपके मन में श्रद्धा है विश्वास है, तो आप खुशी से और प्रेम से आप कच्चा तेल छोड़ेंगे सरसों तेल, तो कुंड भर जाएगा। अगर आपके मन में छल है कपट है, तो आप टीना टीना आप तेल डालते जाइए, वो कुंड नहीं भरेगा। तो इसे कोई मन्नत मानते हैं, जो मन्नत पूरी होती है तो मन्नत में हलो तेल यहाँ भैया। पर मुगल शासन काल में फिर एक सैनिक आवाज था भैया, सैनिक आवाज मतलब यहाँ से यहाँ फोर्ट पर लड़ाई होता था, ही होता था, एकदम सैनिक घायल हो गया, तो आते यहाँ अंग्रेज लोग, मतलब यहाँ पे आते यहाँ लोग घायल होते, तो आते यहाँ मतलब उनके विश्राम करते थे। फिर अंग्रेज शासन चला, तो अंग्रेज शासन काल में ईटा जोड़ते सब जेल बना दिए, सेंटर मतलब यहाँ 15 साल थे, 16 साल थे, 18 साल तो बच्चे होते थे अंग्रेज शासन काल में, तो उनके अंदर यहाँ सजा मिलता सुधार जेल। और यूचल आप देख रहे हैं, ये बोलते हैं अंडरग्राउंड सुरंग बोलते हैं, इस सुरंग बोलते ही आपते यहाँ नौगढ़, विजयगढ़ और राजगढ़। अब एक सीरियल देखे है, चंकांता नाटक देखे आप लोग टीवी पर, तो दिखाया नौगढ़, विजयगढ़, राजगढ़, तो ये तीन किले से मिला है। तो इससे यहाँ फोर्ट पर लड़ाई होता था, ही होता था, एकदम को राजा हार गया, तो ये अंडरग्राउंड से दूसरे फोर्ट पर भाग जाएंगे। फिर अंग्रेज शासन चला, अंग्रेज बोले तो कुछ खजाना हीरा मोती है, तो लोट आए तो अंग्रेज के सुरंग थे पूरा बंद करवा दिए, मतलब ये पूरा भूल भुया सुरंग है। तो इस अंग्रेज शासन काल में इस सुरंग थे पूरा बंद। सुनवा मंडक बोलते है भैया, इस सुनवा मंडक मतलब एक लड़की थी सुनवा रानी, ये उनके नाम से मंडक बना था शादी करने से। ये मंडक खासियत है, इनसे कोई बड़ा वीर है शक्तिशाली है तो मैं लड़की से आप शादी कर सकते हैं। तो इनके पास एक कमर ढोल था, वो ढोल था इसे खासियत है, अगर ढोल आप बजा देंगे तो हमारी सेना आपकी जिंदा हो जाएगी। तो इनके पास घमंड हो गया, घमंड मतलब इनसे कोई पृथ्वी कोई बड़ा वीर कोई है नहीं, तो आप नाम सुने आला उदय नाम सुने, तो आला मतलब मैया देवी पुजारी थे, तो आला उदय यहाँ खुद आए, उनसे यहाँ युद्ध करे, युद्ध करने बाद यहाँ से उठाते यहाँ से ले गए। तो या तो मंडक कुबारा है, मतलब ये मंडक में कोई चाहेगा शादी करने चाहेगा तो ये मंडक में शादी सफल यहाँ नहीं हो सकता है। और ये छोटे छोटे होल आप देख रहे हैं, मैं इस समय पर डायमंड लगा था, हीरा लगा था, इस समय अंग्रेज शासन चला तो अंग्रेज शासन काल में ये सब पूरे डायमंड निकालते यहाँ से ले गए भैया। ये बोलते है भैया काल कोठी बोलते है भैया, ये काल कोठी मतलब इससे यहाँ फोर्ट पर लड़ाई होता था, युद्ध होता था, युद्ध में कोई राजा हारे गए तो उनके अंदर यहाँ बंद कर देंगे, और बंद करने बाद उनके अंदर सजा देंगे। ये काल कोठी बलवाए थे सेसा सूरी बलवाए थे 1530 में भैया, यहाँ से अंदर कैदी लोग थे यहाँ से अंदर ले जाएंगे, और ले जाने के बाद यहाँ से ऊपर से बंद कर देंगे। और ये छोटा छोटा होल आप देख रहे हैं, छोटा छोटा होल, ये बोला अंदर लाइट जाने थे, अगर लाइट नहीं मिलेगा तो लोग अंदर मर जाएंगे। और वहाँ से लोग खाना देते थे, भोजन देते थे वहाँ से, तो वहाँ से खाना थमा देंगे, खाना थमाने के बाद ऊपर से गेट बंद कर देंगे। ये जो कुआं आप लोग देख रहे हैं, इसी कुआं में रानी आकर के नहाती थी, और ये कुआं का जो पानी आप लोग देख रहे हैं ये गंगा जी से सीधा अटैच है। जब पानी नीचे स्तर पे होता था, पानी नीचे से, तो पानी नीचे दिख रहा है, और जब गंगा जी ऊपर आती थी तो पानी इस रास्ते से आता था।
और नीचे जाने के बाद एक गुफा है रानी को नहाने के लिए, एक गुफा इसके नीचे बना हुआ है। रानी किधर से आती थी आइए आप लोग इधर दिखाएं हम। नहाने सीढ़ी है, इस सीढ़ी से यहाँ से कट करके देखिए आप रास्ता बंद हो चुका है। इस सीढ़ी से रानी अंदर कुएं में नहाने के लिए जाती थी। वहां पे वहां जाने के लिए दो रास्ते बने हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे। जब गंगा जी का स्तर नीचे जाता था रानी नीचे नहाती थी, और जब गंगा जी का स्तर ऊपर आ जाता था तो रानियां ऊपर नहाती थी। आगे वो दिखा मैं आपको, ये शेर शाह सूरी ने बनवाए थे इसको। इसमें घोड़े और हाथी रहते थे उनके, इस मकान में जो जर्जर हो चुका है ये वही मकान है जिसमें हाथी और घोड़े रहते थे। आगे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में रानी यहाँ पे अपना कोर्ट चलाती थी। एक कोर्ट वाली बिल्डिंग है, अभी आपको दिखाएंगे कहाँ रानी बैठ करके कोर्ट चलाती थी। आइए आगे आपको दिखाएंगे कहाँ फांसी होता था, कहाँ कत्लेआम होता था। यहाँ देखें आप, वो जो खिड़की आप देख रहे हैं, रानी वहाँ बैठती थी और वहाँ से बैठ करके कोर्ट का आदेश करती थी, और जो कोर्ट के लोग आते थे वो पब्लिक यहाँ पे बैठती थी, यहाँ पे बैठ करके यहाँ पे इसको सुनाते थे और बताते थे। वहाँ से रानी उस खिड़की से आदेश करती थी कि कोर्ट का क्या आर्डर है, उस आर्डर को मान किया जाता था, और आगे फांसी यहाँ दी जाती थी। आइए फांसी की जगह दिखा मैं आपको, वो जो आप देख रहे हैं वो फांसी गिरी है, वहाँ पे फांसी दिया जाता था। उसके बाद में जो साइड में देख रहे हैं वहाँ कत्लेआम जब चल रहा था, कत्लेआम करके वहाँ गंगा जी में फेंक दे रहे थे। मोहम्मद गौरी जब हारी हुई थी तो हारने के बाद उसी रास्ते से नदी से गंगा जी से भग करके उस साइड निकल जाते थे। ये वो रास्ता है, यहाँ पे इलाका क्रियाकलाप समाप्त होता है।